बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AMS हाई स्कूल। आज हम क्लास टू की इस्लामियात पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर वन है कुरानी कायदा। कुरानी लफ्ज़ कुरान से लिया गया है। कायदा मतलब वो बुनियादी बातें जो कुरान पाक को पढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। कुरानी कायदा में हम ज़ेर, ज़बर, शद, मद, पेश का इस्तेमाल सीखते हैं, जिससे हमें कुरान पाक को पढ़ना आसान हो जाता है। आज के लेसन कुरानी कायदा में हम क्या क्या बातें सीखेंगे। आज हम हरूफ़ लैन, वाव लैन, याए लैन, मद मुतसिल और मद मुनफसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। हरूफ़ लैन। हरूफ़ लैन दो हैं, वाओ और ये। वाओ को वाओ लैन और ये को याए लैन कहते हैं। वाओ लैन जब जज़्म वाली वाओ से पहले वाले हरफ पर ज़बर आ जाए तो ये वाओ लैन कहलाती है। वाओ लैन को नरमी के साथ जल्दी से पढ़ा जाता है, जैसे। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है जी, हरूफ लैन दो होते हैं, वाव और ये। वाव को वाव लैन और ये को याए लैन कहते हैं। वाव लैन जब जज़्म वाली वाव से पहले वाले हरफ पर ज़बर आए, जैसे यहाँ पर देखें, ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है ये जज़्म की अलामत है। वाव के ऊपर जज़्म की अलामत है और वाव से पहले वाले हरफ पर ज़बर है। तो हमने यहाँ पढ़ा था जज़्म वाली वाव से पहले वाले हरफ पर ज़बर आ जाए, तो ये हमारे पास जज़्म वाली वाव है और इससे पहले वाले हरफ पर ज़बर है, तो फिर ये वाव क्या कहलाएगी, वाव लैन। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सौफा, सौफा, हाउलुन, हाउलुन, कौमु, कौमु। जी, चूंकि यहाँ पर जज़्म वाली वाव थी और उससे पहले ज़बर थी, इसी तरह इसमें भी देखें जज़्म वाली वाव है, वाव के ऊपर जज़्म है और उससे पहले हरफ पर ज़बर है, तो फिर ये वाव वाव लैन कहलाएगी। आगे देखते हैं याए लैन, जज़्म वाली ये से पहले वाले हरफ पर ज़बर आए तो याए लैन वाक्या हो जाती है, जैसे। जैसे मतलब मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था जज़्म वाली वाव से पहले ज़बर हो तो वाव लैन हो गई, यहाँ पर जज़्म वाली ये से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो वो याए लैन होगी। यहाँ पर हमारे पास ये है, ये के ऊपर जज़्म की अलामत है और उससे पहले काफ पर ज़बर है, यानी यहाँ वाव वाली जज़्म और उससे पहले ज़बर, यहाँ पर ये के ऊपर जज़्म और उससे पहले ज़बर, तो ये याए लैन है और ये वाव लैन है। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैफा, कैफा, हाय सुन, हाय सुन, खैरु, खैरु। अब हम मद के बारे में पढ़ेंगे। मद, मद के मायनी है लंबा करना। मद से पहले वाले हरफ की आवाज़ को लंबा करके
पढ़ा जाता है। मद की दो इकसाम हैं, मदे मुनफसिल मदे मुत्तसिल। जी क्या पढ़ा हमने? मद के मायनी है लंबा करना, और मद से पहले वाले हरफ की आवाज़ को लंबा करके पढ़ा जाता है। मद की दो इकसाम हैं, मदे मुनफसिल और मदे मुत्तसिल। आज हम यहाँ तक रीडिंग करेंगे, कल हम मदे मुनफसिल और मदे मुत्तसिल की तफसील पढ़ेंगे और मद की अलामत के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि हरूफ लैन दो होते हैं, वाओ और ये। वाओ को वाओ लैन और ये को याए लैन कहते हैं। जज़्म वाली, जज़्म की अलामत अगर वाओ पर आ जाए और उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो वो वाओ लैन होती है, और इसको पढ़ते हैं सौफा, हाउलुन, कौमुन। और अगर जज़्म वाली ये से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो वो याए लैन होती है, कैफा, हायसुन, खैरु। और हमने पढ़ा कि मद के मायनी लंबा करना है, और मद की दो इकसाम हैं, मदे मुनफसिल मदे मुत्तसिल। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आज के लेसन में से कुछ मुख्तसर सवाल तैयार किए हैं, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। सबक नंबर एक के जहाँ तक हमने आज रीडिंग की है उसके मुख्तसर सवाल करने हैं। कुरानी कायदा हम पढ़ रहे थे, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। हरूफे लैन कितने हैं? सवाल नंबर एक है, हरूफे लैन कितने हैं? इसका जवाब है, हरूफे लैन दो हैं, वाओ और ये। हरूफे लैन दो हैं, वाओ और ये। सवाल नंबर दो है, वाओ लैन किसे कहते हैं? इसका जवाब है, जब जज़्म वाली वाओ से पहले वाले हरफ पर ज़बर आ जाए तो ये वाओलैन कहलाती है। जब जज़्म वाली वाओ से पहले वाले हरफ पर ज़बर आ जाए तो ये वाओलैन कहलाती है। मसलन सौफा हाउलुन, सौफा हाउलुन। सवाल नंबर तीन है, यायलैन किसे कहते हैं? यायलैन किसे कहते हैं? इसका जवाब है, जज़्म वाली ये से पहले वाले हरफ पर ज़बर आए तो यायलैन वाक़िया हो जाती है। जज़्म वाली ये से पहले वाले हरफ पर ज़बर आए तो यायलैन वाक़िया हो जाती है। मसलन कैफ़ा, हायसुन। यहाँ पर ये पर जज़्म है और उससे पहले काफ पर ज़बर है तो इसको पढ़ेंगे कैफ़ा, हायसुन। डियर स्टूडेंट, ये मुख्तसर सवाल मैंने आज जो आपको पैराग्राफ पढ़ाए थे उसमें से तैयार किए हैं। आपने इन सवालात को भी याद करना है और चैप्टर की भी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है।